वेल गाइस, तो फाइनली अब से मात्र 2 मिनट के अंदर WWE का समर स्लैम पे पर व्यू लाइव जाने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर WWE के समर स्लैम के मेन इवेंट को लेकर बात करेंगे। गाइस, यहां पर WWE के आज समर स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स, उनका टाइटल हमें यहाँ पर न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सकुआ के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। और क्योंकि इन दोनों का मैच कोई नॉर्मल मैच ना होकर बल्कि ब्लड लाइन रूल मैच है, तो इस मैच के अंदर आज यहाँ पर डेफिनेटली काफ़ी सारी इंटरफेरेंस होंगी। और जिस चीज़ के होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है वो होगा रोमन रेंस का इस मैच में रिटर्न करना। गाइस, यहाँ पर WWE के अंदर 4 महीनों तक रोमन रेंस के गायब रहने के बाद आज यहाँ पर WWE का समर स्लैम वो पेपर व्यू हो सकता है, जब यहाँ पर ब्लड लाइन रूल मैच के अंदर रोमन रेंस उनका रिटर्न करे। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि रोमन रेंस ब्लड लाइन रूल मैच में अगर रिटर्न करते गए तो रोमन रेंस पॉल हेविन के साथ आकर सोलो सकुआ को सपोर्ट करते गए या सोलो सकुआ पर टर्न करते गए, क्योंकि ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर रूमर चल रही है कि रोमन रेंस आज यहां पर रिटर्न होकर सोलो सकुआ पर टर्न करेंगे और रोमन रेंस सोलो सकुआ पर अटैक करके WWE के अंदर उनके ट्राइबल चीफ पोजीशन को लेने वाले गए। बट गाइस, रोमन रेंस के अलावा डेफिनेटली आज इस मैच के अंदर हमें यहां पर कोडी रोड्स को सपोर्ट करने के लिए रैंडी ऑटम की इंटरफेरेंस देखने को मिलने वाले गए। और गाइस, इस चीज़ के भी हाई चांसेस है कि पॉसिबली रैंडी ऑटम आज कोडी के ऊपर हील टर्न करे, क्योंकि इसके बहुत ही तगड़े रूमर है कि रैंडी ऑटम कोडी के अगले चैलेंजर होंगे। मतलब ये तो शो को देखकर ही पता चलेगा कि रोमन रिंग्स या रैंडी ऑटम में से कोई यहाँ पर कोडी और सोलो सकुआ के मैच में चैलेंज करता है या नहीं। बट गाइस, एक बात तो पूरी तरह से कंफर्म है कि आज समर स्लैम के ऊपर 100% कोडी उनका टाइटल रिटेन करने वाले के। वो आपको क्या लगता है, ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स आज इस मैच में रिटर्न करेंगे या नहीं? आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे।